प्रदेश भर के चर्चित युवा नेता चेहरे रविंद्र सिंह भाटी और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अरविंद सिंह आज बाड़मेर में आए और बाड़मेर में उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। जोधपुर से बाड़मेर के रास्ते में करीब करीब सैकड़ों जगह इनका स्वागत किया गया और अभी इनका टाउन हॉल में कार्यक्रम था। हमारे साथ रविंद्र सिंह और अरविंद सिंह खास बातचीत के लिए, मैं रविंद्र सिंह से बाद में बात करूंगा क्योंकि वो यहाँ हमेशा मिलते रहते हैं और अरविंद सिंह का आना बहुत कम होता है। अरविंद सिंह, सबसे पहले तो आपको बधाई और बाड़मेर में आपका स्वागत, कैसी जीत रही है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। रही बात जीत की, तो जीत जब परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हो, स्थितियाँ आपके खिलाफ हो और उन हालातों की भट्टी से निकल कर आम जन के लिए एक उदाहरण पेश करने वाली जो जीत होती है वह बहुत सुकून देती है। मतलब मजा आया इस जीत में कि जो इस प्रकार से जो जीत मिली। सरकार, कई बड़े नेता और यहाँ तक कि कई पार्टियों के नेता आपके खिलाफ हो गए थे, कितनी चुनौती थी आपके सामने और उसके बावजूद जीत, अब कितनी खुशी हो रही है? चुनौती और खुशी दोनों कितनी? देखो, चुनौती इंसान को मजबूत बनाती है। इनका जो चुनाव था 2019 का, उस चुनाव में इनकी चुनौती भी किसी से कम नहीं थी, बहुत बड़ा चुनाव था अपने स्तर का। वैसे हर चुनाव की अपनी कहानी होती है और इनके चुनाव की स्थितियों ने इन्हें मजबूत किया और मेरे चुनाव की स्थितियों में जब मेरे साथ आप जैसे भाई हों और पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का जो जमावड़ा मेरे साथ लगा और फिर जब सत्ता में बैठी पार्टी से लड़कर, नेताओं से लड़कर जो जीत मिली, मैं उसकी दोगुनी खुशी है। नरेंद्र चौधरी कल बाड़मेर आए थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो अभी छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं वो जीतने के बाद एक भी बार यहाँ नहीं आए और जयपुर और जैसलमेर की गलियों में स्वागत करवा रहे हैं, क्या कमेंट आप? उनको ये कहो कि महज कुंठा के लिए एक तो ऐसे बेतुके बयान देना बंद करें, दूसरी बात ऐसी है कि मैं नहीं कहता कि कोई बड़ी बात है, पर मैं जब बाहर आया था जीत कर, आप मेरी बाइट सुनते, मैंने ये प्रयास किया था कि जहाँ कहीं मुझे आपके अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी साथ काम करेंगे या आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो साथ काम में करेंगे। और आप अब ये हार पचा नहीं पा रहे हो और काउंटिंग रूम के अंदर की बात मैं करूँगा नहीं वैसे। अच्छा, पर छात्रों के लिए क्या करेंगे आखिरी सवाल है? देखो, छात्रों के लिए जो मैनिफेस्टो है उसका एक अलग विषय है, हम उस पर काम करेंगे, पर उसके अलावा छात्र और छात्राओं से सुझाव मांगेंगे कि उन्हें किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हम उसको ऊपर काम करते हुए उसके ऊपर पूरी स्टडी करके मैं और मेरी पूरे साथी टीम मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। अब हमारे साथ राजस्थान के एक ऐसे युवा चर्चित चेहरे हैं रविंद्र सिंह जी, टोकर ठोके आया रहा, दब ठोके आया। कितनी बड़ी जीत आपको मानते हैं ये जो जेएनयू की थी, क्योंकि राजस्थान सरकार, जैसा आप आपने भाषण में कहा कि राजस्थान सरकार की मुखिया, कई बड़े कांग्रेस के नेता और यहाँ तक ये भी बात सामने आई कि बीजेपी के कई लीडर आपके अगेंस्ट आ गए, कितनी इस बात में सच्चाई है, फिर कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने? मुझे लगता है कि जब तक चुनौतियाँ नहीं आए तो जीत का मजा नहीं आता। मारवाड़ी बोलनी चाहूँ कि चुनौती नहीं हुए तो आनंद को नहीं आए, जो भाई सहन और प्रेम है नहीं या भाइयों चेहरे माते शायद चमक नहीं होती, अगर प्रदेश की सरकार और सरकारी नुमाइंदा अगर नहीं होता तो यार जोश ना देखे तो कह सको कि तो है जोश रे मीना और खुशी रो लेवल का ही। अच्छा, एक मेरा सवाल कॉलेज से जुड़ा, उसके बाद तो कहीं और चले जाएंगे। ऐसी बात है कि आप एबीवीपी से नहीं लड़े थे और कई बीजेपी नेता तो सही, लेकिन ये चुनाव जो है जातिगत आधार पर माने जाते हैं, ऐसी भी बात सामने है कि कई आपकी जाति के बड़े लीडर्स थे वो आपके अगेंस्ट थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सब अपने अपने किरदार में थे, कोई साथ थे तो कोई सामने थे, पर वो चुनाव थे। हर जाति के हर धर्म के लोग होते हैं, वो अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्होंने शायद अपना कर्तव्य निभाया होगा, पर चुनाव जीतने के बाद वो गले सिकवे रखा नहीं करते और मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखता, क्योंकि इन सब साथियों की बदौलत, इन सभी के जोश और जुनून की बदौलत, 36 कौम के प्रेम की बदौलत ये भाई अरविंद सिंह को जीत मिली है। और जीत के बाद में जो थे वो थे, अब हमें सबको मिलकर लेके चलना है। अच्छा, 2023 की कैसी तैयारियां चल रही हैं? था ना पूछो भी जो तो कहो को नहीं है, आपने मन मत तो है। देखो, मन बिना को नहीं हो, आज की भीड़ और उत्साह को देखकर क्या रविंद्र सिंह ने निर्णय नहीं लिया अब तक कि अब मुझे करना चाहिए? जोधपुर विश्वविद्यालय रहता दिन छात्र संघ रो अध्यक्ष हतो, भाई अरविंद सिंह जी जीते जदि हुआ कहो कि भेड़ो बाड़ में आलू है तो मैं बिल्कुल साहब घर में जेड़ी दाल रोटी आपरे वास्ते हाजिर राखसा, आप पधारो मेहमान और स्वागत रे वास्ते आयो। हाँ। कितनी पार्टियों के ऑफर आए? पार्टियां कई रिको राजनीतिक दल। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां री बात थोड़े पर्दे रे लारे रहे तो ठीक है, कई सारे चीजा पर्दा 23 में खुलने वाला है, पर्दा तो बेगा ही खोला, चिंता मत करो। ये तय कर लिया कि चुनाव लड़ने वाले हैं? ये भविष्य के गर्भ में, जब मैं पहल कहूँ वर्तमान में जिया, भविष्य की कभी कल्पना कौन करा? आपको भविष्य दिख रहा है साहब, भविष्य सामने आ गया, आप जनता जनार्दन है,
वो कहने वाली है वो जाके है। जनता ने तो घोषणा, राजनीति गलियारों में ये भी चर्चा हो गई है कि जनता ने घोषणा कर दी है, अब रविंद्र सिंह की मोहर बाकी है। जनता ने जो फैसला उसे मारो फैसला है, तो ये कुल मिलाकर तय हो गया। बिल्कुल, ये रविंद्र सिंह बाटी थे, उन्होंने आप साफ तौर पर ये कह दिया है कि जनता ने जो चाहा वही करेंगे, और उन्होंने कहा कि जो जीत हमारी हुई है उस जीत की जो सामने हमारे कई बड़े नेता थे उस जीत में हमारे दुगनी खुशी मिली है। कैमरा सहयोगी भारत के साथ अशोक शेरा।